सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी मैं और पंकज जा रहे हैं डोंगरगढ़। अभी हम लोग रात को ना 1 बजे, पंकज तो जल्दी सो गया था, मुझे 1 बज गया था सुबह से, होते 1 बजे सोया हूँ। अभी बज रहा है 4 और अभी निकल रहे हैं फटाक से, 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है आरती अटेंड करके, फिर उसके बाद निकलना है। तो करते हैं गोल्ड स्टार और फिर चलते हैं पंकज के घर, कैसे भी टाइम हो गई थी। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट पंकज के घर पे। Could you love a haunted house? Or could you love me now? A haunted I'm a haunted house. तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं डोंगरगढ़, और अपना हमेशा जहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी वहाँ पे खड़ा किया। बस एक बार हेलमेट देखो मेरा, हट तो हाथ हटा, ये देखो मेरा हेलमेट। और ये क्या चीज़ है, ये कीड़ा है मेरे हेलमेट में भी है भाई। तेरे हेलमेट में कैसे रहेगा भाई, तू पिलियन था थोड़ा बहुत होगा। मेरे हाल में देखो पूरा ब्लॉक हो चुका है इसके कीड़े से। चल कुछ खाते पीते, मेरे को मतलब बहुत भूख लग रहा है। चल ठीक, ऊपर चल के। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैसा लग रहा है पंकज, कितना जल्दी है? अरे मतलब अपन निकले थे 4 मात्र 1 घंटे में। मात्र 1 घंटे में पहुंचा, वो भी अंधेरे में। अगर उजाला होता तो और जल्दी पहुंचते। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 20 मिनट। चल ऊपर भाई, 3 चौथी बार आ रहा हूँ इधर पे। इसी में से चल जाते हैं, आ जाना इसी में से चल जाते ना, अगर तू कुछ लाया होगा तो भी। अबे देख, मैं 4थी बार आ रहा हूँ इस साल में, चौथे महीने में 4थी बार है ना। हर महीने आ रहा हूँ, तू बताया था मुझे। मैं हर महीने तो आता ही हूँ कुछ ना कुछ से, है ना। तो हर बार कुछ नहीं होता था, लेकिन नवरात्रि में एकदम ज़्यादा इतना सब कुछ हो रहा है। तो गैस, अभी हम लोग यहाँ पे चढ़ान चालू कर दिया है चढ़ना। ये छोटा छोटा सीढ़ी रहता है ना, तो और पैर दर्द होता है मालूम। चल फिर दौड़ते हो चलेगा। तो आज का हम लोग सनराइज ना पहाड़ पे से देखने वाले हैं डोंगरगढ़ के। चल दौड़ते चलेगा, ऊपर से देखेंगे सनराइज। क्या लगेगा दौड़ते, बस दिखेगा ना दौड़ते हुए। मैं पर पैर का हालत खराब हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेगा ना। क्या हालत खराब, यही यही तुम लोग का जवान खून है साले। मैं कुछ खा लेते बोल रहा हूँ तेरे को पहले। तो मैं भी तो नहीं खाया भाई, खाली पेट आए हम लोग। पानी भी पियूंगा, चलो पानी तो परी मिल जाएगा। पानी पिएगा तो पेट दर्द देगा, उससे अच्छा स्ट्रिंग पी ले। स्ट्रिंग से दिक्कत नहीं होगा ना। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं, पीछे सनराइज हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा रुके हैं। और पंकज का स्टेमिना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है भाई। और रुकेगा क्या? नहीं भाई, जा रहे हैं। चल मैं तो बोलता हूँ आधा सीढ़ी से वापस चलते हैं। वापस चलते हैं बोलते हैं, ऊपर जाएगा तू अभी। चाहे इस सीढ़ी पे तू अपना प्राण छोड़ दे, फेंक देंगे ना पहाड़ी पे, फेंक के चल जाएंगे। और अबे मैं चढ़ जाऊंगा फिर उतरूंगा कैसे, सोच रहा हूँ। उतरने में कुछ नहीं होगा, धक्का दूंगा ऊपर से सीधा नीचे आएगा पार्किंग में। घुलंटे घुलंटे हेलमेट पहन लेना था ना, तेरे को बच जाता था। हाथ पैर टूटता बस, खोपड़ा तो बच जाता ना तेरा। अबे कुछ खा लेते हैं मतलब। नहीं, अब ऊपर से आने के बाद ही खाएंगे। गुपचुप ही रख रहे हो? गुपचुप कुछ नहीं खाएंगे। चल कितने का होगा उसका गुपचुप, सोच रहा हूँ। 10 का 5 मिलता है, 10 का 2 का 5 देगा, 10 का 2 देगा पहाड़ पे भाई। 10 वाली फ्रूटी को 15 रुपए में दे रहे साफ। फ्लैट 15 रुपीज बोलती क्वांटिटी में ही, हमारे पास भर भर के क्वांटिटी में था उसके पास। गजब कर भेजती है। तो गाइस, आखिरकार हम लोग यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं। और पंकज का हालत कैसा है? एकदम बढ़िया है। चल ना फिर, अभी चल के दिखा दे पूरा ऊपर तक। बहुत मैं कंटिन्यू चला हूँ यहाँ तक भाई। 100 सीढ़ी चढ़ के 10 मिनट रुकता है बोलता कंटिन्यू चला। और अपना प्रसाद हाजा नहीं मालूम भाई, अपना प्रसाद देखे मेरे को पकड़ा के रखा है, खुद नहीं पकड़ के चल रहा, भारी लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ चढ़ चुके हैं, और इधर से अभी ऊपर जाएंगे मंदिर पे। मंदिर की आरती हो रही थी तो हम लोग सुन रहे थे यहाँ से नीचे से, क्योंकि ऊपर तक नहीं पहुँच पाए, पंकज थक गया था। मैं तो चल दूँ कैसे भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो गाइस मेरा प्लान कुछ ऐसा था ना कि हम लोग 4 बजे यहाँ से निकलेंगे मंदिर से, यहाँ घर से अपने, और 4 बजे वहाँ से निकल के यहाँ पे हम लोग 5 तक पहुँच जाएंगे और 1 घंटे में ऊपर आ जाएंगे। लेकिन ये महाशेर अपने घर से कितने बजे निकल रहे हैं, 4:40, और सो के उठ रहा है उस वक्त। तू टाइम पे नहीं आना इसलिए मैं तो कुछ खाने के लिए रुकाया ही नहीं। पनिशमेंट, चलो नहीं हुआ 5 मिनट हो गया भाई, 5 मिनट कैसा है, देख टाइम देख, चढ़ चुके होंगे 1000 इतना सीढ़ी है तब क्या, चलो 100 सीढ़ी बस रह गई। तो गाइस यहाँ पे देखो एक बार भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ डोंगरगढ़ माता मंदिर में अभी। तो गाइस मेरे दर्शन हो चुके हैं, मैं यहाँ से आ चुका हूँ और पंकज यहाँ धक्का खा रहा है भीड़ में। इसकी खासियत बता रहा हूँ, जो ये फल है इसको खा के राम जी ने 14 साल का वनवास किया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है, पहले है एक गेम जिससे वो नाम बताएंगे तो वो कार्ड निकालेंगे। वो पंकज ने अपना नाम बताया, ओ भाई उसने कार्ड निकाल लिया। गलत तो नहीं है, नहीं सही बता ना, पंकज तिवारी के नाम से पूछा गया है, दोनों लोग बता रहे हैं, पलट के बता दो। ओ भाई अभी पूरा बात सुन रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पे हमको शंकर भगवान का खास मिल गए। क्या पंकज घर लेके जाएगा क्या? नहीं देख रहा हूँ किसका है। बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में।